तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, ये है 2023 मॉडल बजाज की न्यू पल्सर 125 न्योन मॉडल, जिसमें आपको 2023 में लगभग बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं, जिसमें से लगभग मान के चलिए 23 से 25 चेंजेस मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको नई ग्राफिक्स मिल जाती है, नए इंजन मिल जाते हैं। पहले इसमें आपको ई कॉर्बोरेटर सिस्टम मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको FIS सिस्टम देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ इसकी जो प्राइस है ना, वो भी पहले से चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2023 में इसमें आपको बहुत सारे नए चेंजेस मिलते हैं। तो आज हम इसमें बताएंगे इसमें आपको क्या क्या बदलाव मिलते हैं, क्या इसकी प्राइस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इसमें आपको क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग भी 2023 में पल्सर 125 नियॉन मॉडल को लेने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजी और आप देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो चले गए मैं तो चले गए, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आप आगे वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले चेंज की बात करते हैं, वो इसके प्राइस में देखने मिलती है। तो अब आप लोग को लगेगा कि इसकी जो प्राइस है ना, पहले से बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले इसका जो प्राइस था ना, ऑन रोड प्राइस, वो लगभग था कि कहते हैं 1,06,000 रुपए, लेकिन अब इसकी जो प्राइस है ना, पहले से कम हो चुकी है। तो अब इसकी जो एक्सम प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 80,173 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। लेकिन अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, तो लगभग आप मान के चले 1,01,000 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा 2023 में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इसकी जो प्राइस है ना, पहले से लगभग कहते हैं 4,000 से 5,000 रुपए डाउन हो चुकी, लेकिन प्राइस के साथ साथ इसमें आपको इतने सारे भर भर के चेंजेस हुए ना। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये जो बाइक है ना, बिल्कुल नई देखने को मिलती है। तो सबसे पहले चेंज की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें आपको नई ग्राफिक्स मिल जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये ब्लैक एंड रेड कलर मॉडल है, तो इसमें आप देख सकते हैं नई ग्राफिक्स मिलती है, जो की पहले वाले जो नियॉन मॉडल आता था उसकी तुलना में काफी बेहतरीन ग्राफिक्स लगती है। तो आप लोग बताना की जो नई ग्राफिक्स है, आप लोगों को कैसा लग रहा है देखने में। और अगर हम अगले बदलाव की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे तो इसमें आपको E20 की बैचिंग मिल जाती है। तो अब इसमें आपको इथेनॉल मॉडल है ये, तो अब इसमें आपको 80% ये बाइक पेट्रोल यूज करेगी, 20% इथेनॉल यूज करेगी। तो जो E20 वाला जो पेट्रोल आएगा, वो नॉर्मल पेट्रोल से थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके आगे चेंजेस की बात बाद में करेंगे, उससे पहले बात करते हैं थोड़ा सा फ्रंट से। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग इग्निशन ऑन करते हैं, तो इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए, इसका जो हेडलैम्प है वही सेम आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है, जिसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि LED हेडलैम्प मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके फ्रंट सेक्टर में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जो फ्रंट प्रोफाइल है, वो भी आपको सेम मिलता है, साइड इंडिकेटर भी वही सेम मिलती है। लेकिन अगर हम आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है ना, वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि पहले वाला मिलता है। लेकिन अगर हम अगले बदलाव की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अब इसका जो डिस्प्ले मिलता है ना, वो पहले वाले से चेंज मिलता है। पहले इसका जो डिस्प्ले मिलता था ना, कुछ ऐसा देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपको कुछ ऐसा डिस्प्ले मिलता है जो कि पहले से ज्यादा बेहतरीन लगती है देखने में। फ्रंट में ये इसका डिश मॉडल है, तो फ्रंट में आपको 240mm का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, विथ मिल जाता है। और अगर हम अगले बदलाव की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अब इसका जो अलॉय है ना, वो भी पहले से चेंज हो चुका है, जो कि मेरे हिसाब से पहले वाले से ज्यादा बेटर लगती है देखने में। और इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, वो मिलता है 80/100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिलती है न्यू अलॉय के साथ। तो दोस्तों, आप लोग बताना कि जो अलॉय का जो नया डिजाइन मिल रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है देखने में। और अगर हम बात करते हैं साइड से लुक के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड प्रोफाइल है ना, इस नए ग्राफिक के साथ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो आप लोग बताना कि जो नया साइड लुक देखने मिलता है, नई ग्राफिक्स मिल रही है, आप लोगों को कैसी लग रही है देखने में। और वहीं अगर हम बात करते हैं हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, हैंडल बार के स्विचेस में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, वही सारे स्विचेस मिल जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो स्विचेस के अंदर आप देख सकते हैं लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है, जिसमें आप लोग गौर करेंगे तो ये हम देख सकते हैं लाइटिंग भी देखने को मिलती है। तो इससे अगर आप लोग नाइट में राइड करते हैं, तो ये आपको जो स्विचेस है ना, वो इंडिकेट हो जाएंगे। और राइट हैंडल बार का देखते हैं इंजन के स्विच, नीचे आपको सेल्फी स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और अगर हम अगले बदलाव की बात करते हैं, तो वो इसके मीटर कंसोल में मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका जो मीटर कंसोल है ना, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नया मिलता है। जो पल्सर 150 में मीटर कंसोल मिलती थी, वही सेम टू सेम मीटर कंसोल देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो पल्सर के लवर है ना, उनको यही मीटर कंसोल ज्यादा बेहतरीन लगती है। तो बजाज इसके मीटर कंसोल के लुक को कोई चेंजेस नहीं देती है, लेकिन हाँ, फीचर्स वाइज में आपको बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब इसमें आपको मिल जाता है DTSI मिल जाता है, यानी कि डिस्टेंस टू इम्पैक्ट मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, लो बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, EFI देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको एवरेज इंडिकेटर मिल जाता है। तो दोस्तों, अब इसका जो मीटर कंसोल है ना, पहले से और ज्यादा एडवांस हो चुका है। तो आप लोग बताना कि जो नया मीटर कंसोल मिल रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है देखने में। और अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, पहले इसका जो फ्यूल टैंक का कैप मिलता था ना, वो आपको सिल्वर में मिलता था, लेकिन आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, फ्यूल टैंक का कैप मिल जाता है, जो कि पहले वाले से ज्यादा बेहतरीन लगती देखने में। और साथ ही साथ इसका जो फ्यूल टैंक का जो डिजाइन है ना, वो भी पहले से अंदर से चेंज हो चुका है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट बदलाव मिलता है ना, इसका जो फ्यूल टैंक है ना, पहले से चेंज हो चुकी है, लेकिन इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वही सेम आपको पहले वाले मिलती है। और अब थोड़ी सी बात करते हैं इंजन वाइज की, इसके
इंजन में आपको क्या बदलाव मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, पहले इसमें आपको पेट्रोल टी मिलती थी जिससे आप लोग पेट्रोल को ऑन ऑफ करते थे, क्योंकि पहले इसमें आपको मिलता था ई कार्बोरेटर यानी कि कार्बोरेटर सिस्टम मिलती थी। लेकिन अब 2023 मॉडल में अब इसमें आपको कार्बोरेटर सिस्टम हटा के अब इसमें आपको FIS सिस्टम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब इसका जो इंजन है ना पहले से और ज्यादा रिफाइन हो चुका है। अब इसमें आपको FIS सिस्टम होने की वजह से यहाँ का जो पेट्रोल टैंक का जो डिजाइन है ना वो चेंज हो चुका है, और साथ ही साथ इसमें आपको नई वायरिंग मिल जाती है FIS सिस्टम होने की वजह से। और साथ ही साथ इसका जो अगला बदलाव मिलता है कि अब इसमें आपको OBD2 सेंसर मिल जाता है, न्यू ECU मिल जाता है, क्योंकि पहले कार्बोरेटर मिलता था अब इसमें आपको FIS मिलता है, तो ECU भी चेंज करना ही पड़ेगा। और अगर अगले बदलाव की बात करते हैं तो पहले इसमें आपको BS6 इंजन मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको मिलता है नए नॉर्म्स के तहत BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब इसका जो इंजन है पहले से और ज्यादा रिफाइन और भी ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है। लेकिन अगर हम इसके इंजन कैपेसिटी की बात करते हैं तो एक बात आपको क्लियर कर दें कि इसका जो इंजन कैपेसिटी मिलती है वही सेम मिलती है जो कि आपको मिलेगा 124.4 cc का 4-stroke 2-valve twin spark DTSI BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाता है। इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वो मिलता है 11.8 PS का 8500 RPM, का जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो मिलता है 10.8 Nm का 6500 RPM पे। तो दोस्तों जो इंजन कैपेसिटी है जो पावर है ना वो आपको सेम मिलता है, लेकिन इसका जो इंजन है ना पहले से रिफाइन हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए, पहले इसमें आपको इंजन काउल मिलता था 2022 में, लेकिन अब 2023 में वो काउल हटा दिया गया है। तो इसको लगवाने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने नहीं है, लगभग 150 से 200 रुपए देने होंगे, इसके बाद आप लोग इंजन काउल लगवा सकते हैं। और नंबर ऑफ गियर वही मिलते हैं, वही सेम आपको 5-speed गियर बॉक्स मिल जाता है। और अगर हम इसके सीट पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब इसका जो सीट है ना वो भी पहले से और ज्यादा बेहतरीन, कंफर्ट जो मिलते हैं ना पहले से और ज्यादा अच्छी मिलती है। और यहाँ पे देखिए न्यू ग्राफिक्स के साथ 125 बैचिंग मिल जाती है, पिलियन फुटेज, सारी गार्ड, लेडी फुटेज देखने मिल जाती है, तो आपकी जो घर की लेडीज है ना वो भी बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर से, तो रियर सेक्शन में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको पल्सर सीरीज वाला लुक मिल जाता है। और अगर हम दूसरे साइड पे आते हैं तो इस साइड में देख सकते हैं वही सेम आपको ग्राफिक के साथ 125 की बैचिंग देखने को मिल रही है। और अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं, रियर सेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका जो रियर सस्पेंशन मिलता है ना वो मिलता है ट्विन गैस शॉक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। और इसका जो रियर ब्रेक मिलता है यहाँ पे देखेंगे तो रियर में आपको मिल जाता है 130 mm का ड्रम्बे का सपोर्ट मिल जाता है। इसका जो रियर टायर मिलता है ना वो मिलता है 100/90 का 17-inch का ट्यूबलेस टायर देखने मिलती है अलावेल के साथ। और इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है ना वो पहले से रिफाइन हो चुका है, क्योंकि अब इसमें आपको FIS सिस्टम मिल जाता है, BS6 फेज 2 इंजन मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए अभी भी इसमें आपको स्टार्टिंग क्लिक की कॉस्ट सेल देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि मैं आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं मेन अपडेट के बारे में, आपको हाईलाइट बता देते हैं कि इसमें आपको मेन क्या चेंजेस मिलते हैं। पहले इसमें आपको नए कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, दूसरा इसमें आपको नए स्टिकर मिल जाते हैं, तीसरा ये जो देख सकते हैं 3D एम्बल जो लोगो मिलता है वो पहले से चेंज हो चुका है, उसके नीचे आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइनिंग वाली के थोड़ा सा बॉर्डिंग मिल जाती है जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। अगला इसमें आपको नया पेट्रोल टैंक मिल जाता है, अगला इसमें आपको पेट्रोल टैंक का जो कैप है ना वो ब्लैक देखने मिलती है, साथ ही साथ पेट्रोल टी हटा दिया गया है। अगला अपडेट की अब इसमें आपको FIS सिस्टम मिल जाता है, नेक्स्ट अपडेट इसमें आपको BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है, अगला अपडेट इसमें आपको OBD2 सेंसर मिल जाती है, नेक्स्ट अपडेट इसमें आपको E20 टेक्नोलॉजी मिल जाती है। और इसका जो नेक्स्ट बदलाव है कि अब इसमें आपको 150 वाला मीटर कंसोल मिल जाता है, उसमें आपको डिस्टेंस इंप्रिंटिंग मिल जाता है, AFI मिल जाता है, EFI मिल जाता है, इंजन काउल हटा दिया गया है, नए ग्राफिक्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों यही सारे चेंजेस इस बाइक में आपको देखने को मिलते हैं। तो लगभग मेरे हिसाब से हम बोलें तो ये जो बाइक है ना पहले से बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बिल्कुल फ्रेश बाइक मिलती है नए प्राइस के साथ, कम प्राइस मिलती है, इतने सारे नए बदलाव के साथ ये बाइक जो मिलती है ना 1,00,000-1,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो बाइक है ना मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी बाइक है, आप लोग इस बाइक के साथ जा सकते हैं। तो आप लोग बताना कि पल्सर 125 आप लोगों को कैसी लगती है देखने में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, ये बाइक अच्छी लगे तो अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोग कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग हमसे डायरेक्ट बात करके कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नीचे हमारे इंस्टाग्राम ID शो होगी, वहाँ पर हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।